हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस विद किलो। सो आज मैं आपके साथ मेरा एक क्विक हेयर केयर रूटीन शेयर करूंगी। सो ये जो हेयर केयर रूटीन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है, ऑल्सो इस विंटर सीजन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ अपने हेयर केयर के लिए वो भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। उसके साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ओके, सो हेयर केयर का जो फर्स्ट स्टेप है वो है एक अच्छी सी हेड मसाज। हेड मसाज करने से पहले सबसे पहले मैं अपने बालों में से अच्छे से टैंगल्स को रिमूव कर लूँगी। सो टैंगल्स रिमूव करने से जो हेयर ऑयल है वो अच्छे से अप्लाई होता है एंड हमारे जो बाल हैं वो उलझते नहीं है। सो सबसे पहले धीरे धीरे करके मैं सारे बालों में से जो भी टैंगल्स उनको रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पर बालों में अच्छे से टैंगल्स रिमूव हो जाने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये टीचर्स ग्रेस का अनियन हेयर ऑयल। इस हेयर ऑयल को मैं बाउल में निकाल कर अच्छे से इस तरीके से डबल बॉइलिंग प्रोसेस की हेल्प से गर्म कर लूँगी थोड़ा सा, बिकॉज अगर हम लुकवॉर्म करके जो हेयर ऑयल है उसको अप्लाई करेंगे तो उसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। ये जो हेयर ऑयल है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे अनियन, आंवला, एलमंड्स, हिबिस्कस, चिरौंजी, इस टाइप के जो अच्छे अच्छे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे मिलके बना है एंड ये हमारे बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, एट द सेम टाइम बाहर से काफ़ी ज़्यादा शाइनी बनाता है। ऑल्सो ये जो हेयर ऑयल है वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके अलावा ये हमारे स्कैल्प का जो पीएच लेवल है उसको भी मेंटेन रखता है। इसके अलावा इस हेयर ऑयल में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जो डैमेज बालों को रिपेयर करते हैं। इसके अलावा जो हेयर टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। मैंने बालों में अच्छे से हेयर ऑयल को अप्लाई कर लिया है एंड अब मैं 10 से 15 मिनट तक अपने हेड पर मसाज करूंगी। आपको अपने हेड पर इस तरीके से फिंगर टिप की हेल्प से मसाज करना है, नेल्स बिल्कुल भी टच नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है। सो अब मैं अच्छे से हेयर ऑयल अप्लाई कर लूँगी। स्कैल्प पर अप्लाई करने के बाद मैं अच्छे से जो एंड्स होते हैं हेयर्स के वहाँ पर भी अप्लाई कर लूँगी, बिकॉज मेरे जो एंड्स होते हैं हेयर्स के वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं। अगर आपके भी ड्राई रहते हैं तो आपको ज़रूर वहाँ पर अच्छे से ऑयल अप्लाई करना चाहिए। सो मैंने 10-15 मिनट तक अच्छे से हेड मसाज कर लिए। उसके बाद मैं इस तरीके से अपने पूरे बालों को टाइट करके एक बन बना लूँगी। आपको भी अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना है और ऑयलिंग करने के बाद कॉम नहीं करना है, इससे बाल टूटते हैं इस वजह से। सो आप इस तरीके से बन बना सकते हैं एंड इसको सिक्योर कर लेंगे रबर बैंड की हेल्प से। मैंने नाइट में ही ये जो हेयर ऑयल है वो अप्लाई कर लिया था। आप चाहें तो आप सर धुलने के एक घंटे पहले ही हेयर ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप नाइट में करेंगे तो उसके जो रिज़ल्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ओके, सो मॉर्निंग में उठ के मैं अपने हेयर्स को वॉश कर लूँगी, बट उससे पहले रबर बैंड ओपन करके मैं इस तरीके से अपने बालों में 2 मिनट तक मसाज करूँगी। इससे जो स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अपने हेड को वॉश करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टीचर्स ग्रेस का अनियन प्लस 5 शैम्पू। ये जो शैम्पू है वो 100% नेचुरल आयुर्वेदिक इन्ग्रीडियंट्स जैसे नेचुरल ऑयल, प्रोटीन, हर्बल एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना है। ये जो शैम्पू है वो ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर को इम्प्रूव करता है, इसके साथ साथ ये हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। ऑल्सो ये जो शैम्पू है वो ड्राई एंड ऑयली दोनों ही स्कैल्प के लिए अच्छे से काम करता है। इसके अलावा ये जो कलर्ड हेयर होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो मैं इस हेयर शैम्पू को इस तरीके से एक बाउल में निकाल लूँगी, बिकॉज मैं हमेशा ही जो शैम्पू है उसको डायल्यूट करके ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। सो इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दूँगी एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो अगर आप इस तरीके से शैम्पू को अप्लाई करते हैं तो जो स्कैल्प एंड हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते हैं। सो यहाँ पे मैंने इस शैम्पू की हेल्प से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है। सो काफ़ी अच्छे मुझे अपने बाल जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लग रहे थे। उसके बाद मैं सीरम अप्लाई कर लूँगी। सो हेड को वॉश करने के बाद आपको गीले बालों में सीरम ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रहते हैं आपके हेयर्स जो हैं वो। उसके बाद हेयर ड्रायर की हेल्प से मैं अपने बालों को ड्राई कर लूँगी। वैसे तो मैं हेयर ड्रायर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती बालों में, बट अभी विंटर्स चल रहे हैं इस वजह से हेयर ड्रायर जो है वो यूज़ करते हैं, बिकॉज बिल्कुल भी धूप नहीं आती है यहाँ पे। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप नेचुरली अपने जो बाल हैं वो ड्राई कर सकते हैं, बिकॉज इस टाइप के जो टूल्स होते हैं वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा हार्म होते हैं, बट या कभी कभी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो हेयर को अच्छे से ड्राई करने के बाद मैं बालों को कॉम कर लूँगी। सो आपको बालों को कॉम करने के लिए हमेशा इस टाइप का जो कॉम है उसका यूज़ करना चाहिए एंड आपको हमेशा ड्राई बालों में ही जो हेयर कॉम है वो यूज़ करना चाहिए। अगर आप वेट बालों पर ही कंघी करेंगे तो उससे जो बाल है काफ़ी ज़्यादा टूटेंगे, इस वजह से आपको हमेशा बालों को पहले अच्छे से सुखाना है उसके बाद ही कंघी करना है। एंड गाइज, आप जब भी अपना हेड वॉश करते हैं तो अपना जो कॉम है उसको भी ज़रूर से वॉश किया करें, बिकॉज अगर आप साफ़ बालों में साफ़ कॉम यूज़ करेंगे तो उससे जो बाल हैं आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो आप हफ्ते में अपना जो कॉम है वो एक बार तो ज़रूरी वॉश कर लें। सो अब आप देख सकते हैं कितने ईजी तरीके से मेरे जो बाल हैं वो सुलझ गए। सो आप देख सकते हैं कितने ईजी से स्टेप्स में मेरे जो बाल हैं एकदम से कितने ज़्यादा शाइनी एंड सिल्की स्मूथ बन गए हैं। सो मुझे तो अपने बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इस टाइम पर।
सो आप भी इस हेयर केयर रूटीन को फॉलो करके अपने जो हेयर्स हैं उनको शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो इसको करने में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, लाइक मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी थी, सिर्फ ऑयलिंग एंड आपको अच्छे से हेड को वॉश करना है एंड कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो गाइज़ आप देख सकते हैं बाल कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं इस टाइम पर, एंड आप शाइन देख सकते हो इस तरीके से कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।